दोस्तों, इस संसार के हर एक कोने को इसकी विशेष कला व संस्कृति के लिए जाना जाता है। जब हम बात भारतवर्ष की करते हैं तो हर जगह की अपनी एक महत्वपूर्ण कला शैली है, जिसे हम फोक या ट्रेडिशनल आर्ट भी कहते हैं। इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं भारत की फोक या ट्रेडिशनल आर्ट के बारे में, जिन्हें समय के साथ जिन्होंने अपने आप को जीवंत रखा। तो बने रहे हमारे साथ अंत तक। मैं हूँ लखन सिंह और आप देख रहे हैं लखन आर्ट गैलरी। पहले नंबर पर आती हैं मधुबनी पेंटिंग्स, जिसे मिथिला की कला भी कहा जाता है, क्योंकि ये बिहार के मिथिला प्रदेश में पनपी थी। इनकी विशेषता यह है कि इनमें चटकीले व विषम रंगों से भरे गए रेखा चित्रों अथवा आकृतियों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह की चित्रकारी पारंपरिक रूप से प्रदेश की महिलाओं द्वारा बनाया जाता था, लेकिन अभी इसके बढ़ते स्वरूप के कारण पुरुष कलाकार भी इसमें अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। इस चित्रकारी में शिल्पकारों द्वारा तैयार किए गए खनिज रंगजों का प्रयोग किया जाता है। वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए चित्रकारी का यह कार्य अब कागज, कपड़े व कैनवास पर भी किया जाता है। दूसरे नंबर पर आती है पटचित्र। पटचित्र उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकला है, जिसमें पट का अर्थ है कपड़ा। इन चित्रों में हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया जाता है। यह कला कई हजार साल से अधिक समय तक जीवित रहने वाली कला है, जो कि दिखने में सरल और जिसको बनाने में अत्यधिक धैर्य, गहन परिश्रम और कुशल शिल्प कौशल की आवश्यकता होती है। एक एकल पटचित्र पेंटिंग में कम से कम 5 से 15 दिन लगते हैं, जबकि कुछ को पूरा होने में महीनों लग जाते हैं। एक पटचित्र को तराशने का समय चित्रों की गहनता और आकार के स्तर पर निर्भर करता है। तीसरे नंबर पर आती है मैसूर चित्रकला। यह दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण शास्त्रीय चित्रकला है, जिसका उद्गम मैसूर के आसपास हुआ था और जिसे मैसूर के राजाओं ने प्रोत्साहन दिया। इन चित्रों में सबसे लोकप्रिय विषय हिंदू देवी देवताओं तथा हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्य शामिल हैं। मैसूर पेंटिंग में प्राथमिक रंग जैसे कि हरा, लाल और नीला का व्यापक उपयोग किया जाता है। वर्तमान में बहुत कम कलाकार व समूह हैं जो कि इस कला में कार्य कर रहे हैं। चौथे नंबर पर आती है तंजौर पेंटिंग। शास्त्रीय दक्षिण भारतीय चित्रकला के सबसे लोकप्रिय रूपों में से यह एक है। यह तंजावुर का मूल कला रूप है, जिसे तंजौर के नाम से भी जाना जाता है। यह तमिलनाडु की एक पारंपरिक कला है। तंजौर पेंटिंग कई चरणों में तैयार की जाती है, जिसमें पहले एक पारंपरिक स्केच बनाया जाता है, जिसका आधार एक कपड़े का बना होता है, जिसे लकड़ी के आधार पर चिपकाया जाता है। पेंटिंग में कटा हुआ ग्लास, मोती और पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। प्रभाव को और बढ़ाने के लिए पेंटिंग के कुछ हिस्सों पर सोने की पतली चादरें चढ़ाई जाती हैं। पांचवें नंबर पर आती है कलमकारी पेंटिंग। कलमकारी पेंटिंग एक प्राचीन भारतीय चित्रकला है, जिसका उद्गम कालाहस्ती और मुसलीपट्टनम में हुआ है। यह एक कलम की मदद से बनाई जाने वाली तथा वनस्पति रंजन का उपयोग करके कपड़े पर किया जाने वाली एक कला है। इसमें मुख्यतः रामायण, महाभारत, पुराण और पौराणिक दृश्यों, देवी देवताओं को दर्शाया गया है। वास्तव में कला पूरी होने से पहले ब्लीचिंग, रंगाई, स्टार्चिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग से गुजरती है। कहा जाता है कि कलमकारी को सदियों से भारत में विद्यमान है, जहां चित्रकारी और लोक गायकों द्वारा गांव में लोगों को हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियां सुनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। छठे नंबर पर आती है कालीघाट पेंटिंग। कालीघाट पेंटिंग्स का उद्गम लगभग 19वीं सदी में कोलकाता के कालीघाट मंदिर में हुआ माना जाता है। इस चित्रकला में मुख्यतः हिंदू देवी देवताओं तथा उस समय पारंपरिक कथा के पात्रों को दर्शाया गया है।
भारत में सबसे प्रसिद्ध कला इतिहासकारों में से एक ज्योतिन्द्र जैन का मानना है कि कालीघाट चित्रों के निर्माण में कलाकारों का कोई अलग समुदाय नहीं था। ये पेंटिंग वास्तव में विभिन्न व्यवसायों के कारीगरों द्वारा बनाई गई थी, जैसे कि कुम्हार, स्टोनवर्क और बड़े। कालीघाट चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह भारत में न होकर बल्कि लंदन में विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय में है। सातवें नंबर पर आती है वर्ली पेंटिंग। वर्ली पेंटिंग एक आदिवासी कला की एक शैली है जो भारत में उत्तर सह्याद्री के आदिवासी लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिसमें पालघर जिले के दहानू, तलासरी, जोहार, विक्रमगढ़ जैसे शहर शामिल हैं। इस आदिवासी कला की उत्पत्ति महाराष्ट्र में हुई थी। वर्ली कला को विशेष अवसरों पर दीवारों पर किया जाता है। पेंटिंग में एक भूरे रंग की पृष्ठभूमि पर की जाती है जो मूल रूप से मिट्टी और गोबर का मिश्रण होता है। इसमें विशेषतः एक केंद्रीय आकृति के आसपास मनुष्यों की एक सर्पिल श्रृंखला बनाई जाती है। आठवें नंबर पर आती है गोंड पेंटिंग। गोंड आर्ट लोक और जनजातीय कला की पेंटिंग का एक रूप है जो भारत में सबसे बड़ी जनजातियों में से एक जनजाति द्वारा बनाया जाता है, जिन्हें गोंड कहा जाता है। ये मुख्यतः रूप से मध्य प्रदेश से निवासी होते हैं। गोंड पेंटिंग एक रहस्यवादी दुनिया का निर्माण करती है जो डॉट्स और लाइन द्वारा बनाई जाती है। गोंड जनजाति में हिंदू त्योहारों के दौरान अपनी झोपड़ियों की दीवारों और फर्श को चित्रित करने की परंपरा है। गोंड आर्ट एक बेहतरीन कला फॉर्म है जो देखने में काफी लुभावनी लगती है। नवे नंबर पर आती है पहाड़ी पेंटिंग्स। पहाड़ी पेंटिंग राजपूत चित्रों को दिया गया एक नाम है जो हिमाचल प्रदेश और भारत के जम्मू और कश्मीर राज्यों में बनाया गया है। ये पेंटिंग 17वीं से 19वीं शताब्दी की अवधि में विकसित हुई। भारतीय पहाड़ी चित्रों को ज्यादातर लघु रूपों में किया जाता है। भारत की पहाड़ी पेंटिंग को उनकी भौगोलिक सीमा के आधार पर दो अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहली है बसोहली या कुलू शैली और दूसरी है गुलेर या कांगड़ा शैली। राजस्थान में शाही दरबार के साथ पहाड़ी राजाओं के पारिवारिक संबंधों के कारण पहाड़ी चित्र राजपूत चित्रों से व्यापक रूप में प्रभावित हुए थे। दसवें नंबर पर आती है ऐपण। ऐपण उत्तराखंड की एक पारंपरिक कला है जो कि उत्तराखंड राज्य की प्रचलित और उभरती हुई कला शैली है। यह उत्तराखंड के घरों में फर्श व दीवारों को सजाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। यह सामाजिक सांस्कृतिक के साथ साथ धार्मिक महत्व भी रखती है। माना जाता है कि यह देवताओं के आवाहन के लिए तथा सुख समृद्धि का प्रतीक है। इस आर्ट फॉर्म को तैयार करने के लिए विशेष प्रकार के एलिमेंट्स का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि लक्ष्मी पादुका, फूल पत्तियां आदि। यह उत्तराखंड के सांस्कृतिक कार्यों, अनुष्ठानों तथा विशेष त्योहारों जैसे दीपावली, लक्ष्मी पूजा पर घरों की देहली तथा पूजा स्थल में उकेरी जाती है। पहले यह गेरवा कलर की मिट्टी के द्वारा बनाए गए पृष्ठभूमि पर चावल को पीसकर इस पृष्ठभूमि पर उकेरी जाती थी, लेकिन वर्तमान में यह लाल कलर के ऊपर व्हाइट पेंट से विभिन्न एलिमेंट्स को जोड़कर यह कला बनाई जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और इसको शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।